हमारे आचरण से अड़ोस पड़ोस में इन सब बातों का अच्छा वातावरण तैयार करना, ये प्रत्येक कुटुंब का कर्तव्य है। संघ के स्वयं सेवकों के कुटुंब में ये होना ही चाहिए, क्योंकि संघ में आता है, शाखा में आता है, दायित्व ग्रहण करके काम करता है अपने घर का पुरुष, लेकिन वास्तव में पूरा कुटुंब संघ का कार्य करता है। दो दो बार जरा कड़े प्रतिबंध लगे, पहला और दूसरा, उसमें लोग जेल में गए। जेल में गए तो एक भी घर से उनको कहा नहीं गया कि जैसे तैसे माफी मांग के छूट के वापिस आओ। अन्यायकारक थे, किसी का कोई गुनाह नहीं था, छूटना जायज था, लेकिन नहीं छूटे। घर के लोगों ने कहा कि हम कैसा गुजारा करेंगे हम देख लें, लेकिन आप एक कार्य के लिए वहां गए हो, माफी मांग के बता। परिवार काम करता है, ऐसे वक्त में घर की माता बहनें भी हमारा कार्य संभाल लेती है, काम करती है, वो भी हमारी कार्य करता है। शांति के काल में भी निश्चिंत होकर हमारे लोग प्रवास में जाते हैं, काम करते रहते, गृहस्थ कार्यकर्ता समय दे पाते क्यों? बाकी बातें जो संभालनी चाहिए वो घर के लोग संभाल लेते हैं, इसीलिए। तो हम सब कार्यकर्ता है, ये ध्यान में रखना चाहिए, और कार्यकर्ताओं को जरा कष्ट उठाकर, कभी कभी उल्टा चलकर भी, जिस कार्य के लिए हम जी रहे उस कार्य को करना ही पड़ता है। हम सामान्य लोग नहीं है, हम व्रतस्थ लोग हैं।